ओके हमने हरे कृष्ण क्यों चैट करना चाहिए, व्हाई डू वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र. द वेदास प्रोक्लेम दैट चैंटिंग द ट्रांसेंडेंटल नेम्स ऑफ गॉड इज द बेस्ट एंड ओनली योगा प्रैक्टिस फॉर दिस डार्क एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्वारल मिसअंडरस्टैंडिंग टेरर एंड टेंशन. तो देखो यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये इस एज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है. हर एक चीज आप एक्चुअल में देख सकते हो, मतलब इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं. टेंशन है, चाहे वो फैमिली लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है या फिर नेशनल लेवल पे है. अभी जैसे इंडिया चाइना का चल रहा है, ठीक है, वो भी एक तरह का टेंशन है, बॉर्डर टेंशन है. तो ये इस कलयुग का एक कॉमन सिम्टम है, टेरर, ये भी बताने की जरूरत नहीं. मिसअंडरस्टैंडिंग, क्वारल, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप इन सबको एक वर्ड में अगर समराइज करना है तो क्या कह सकते हो, देयर इज अनरेस्ट, ठीक है, अनरेस्ट एंड देयर इज नो पीस. एक वर्ड में अगर इसको समराइज करना है कि देयर इज नो पीस. लेकिन आगे क्या दिया, देयर कैन बी नो पीस और हार्मनी इन द वर्ल्ड अनलेस ऑल पीपल अनलेस द पीपल ऑफ ऑल द वर्ल्ड ऑल द नेशंस गार्लैंड देयर हार्ट्स द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आई विल गिव. अभी रिसेंटली सम इयर्स बैक, ठीक है, रिसेंटली सम इयर्स बैक देयर वाज एन एनुअल फंक्शन, ठीक है, मतलब जो इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है मायापुर में, वहां पे एक एनुअल फंक्शन हुआ था. तो उस समय जो इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उनको पता चला कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है. वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था कि मोदी जी और उनके साथ के जो डेलीगेट्स हैं, मतलब 106 कंट्रीज के जो पर्संस हैं, 106 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो साथ में आए थे. तो सो दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मींस द पीपल फ्रॉम सो मेनी नेशंस आर कमिंग टुगेदर एट द सेम प्लेस. So that was a world record in itself. So 106 nations के people एक साथ आए थे, ठीक है. तो फिर क्या हुआ, जो इस्कॉन लीडर्स थे मायापुर में, they wrote a letter to the Narendra Modi जी और उन्होंने कहा कि we have an opportunity to invite the delegates from 120 nations. And Modi जी was very happy with that proposal, ठीक है. तो फिर वहां पे क्या होता, 120 नेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे वर गैदर्ड एट द सेम प्लेस. सो आप जरा सोचिए, दैट इज द पावर ऑफ द होली नेम. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये सिर्फ ऐसा एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट, मतलब ये एक्चुअल में आप देखने वाली चीज है. मतलब यहाँ पे तो दो कंट्रीज, दो स्टेट के लोग भी साथ में आने को तैयार नहीं होते, बट व्हेन होली नेम इज देयर, so many people they are coming together, people they forget the colors also, who is from Jew, who is from Africa, who is from America, ठीक है. Because जब chanting करने से क्या होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये जो अंदर वाले जो खराब वाला covering है ना, ये चले जाते हैं, ठीक है. तो ये जो false ego है, I am this body, I am American, I am African, I am Indian, ये actually चले जाता है. फिर ये आप theoretically कितना भी पढ़ लो उसको, जाएगा तो सिर्फ ये जो कंटेमिनेशन है, ये जो फॉल्स ईगो है, ठीक है. फॉल्स ईगो क्या है, फॉल्स ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. आई एम डैश, अब इस डैश में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फिलअप करने के लिए, ठीक है. आई एम महाराष्ट्रियन, ये भी एक फॉल्स ईगो है, बिकॉज ये जो आइडेंटिटी मिला है ये भी बर्थ लेने के बाद मिला है, ठीक है. आई एम इंडियन, ये भी फॉल्स आइडेंटिटी है, बिकॉज ये आपको इस लाइफ में मिला है, ठीक है. आई एम ह्यूमन बीइंग, ये भी एक फॉल्स ईगो है, बिकॉज इस लाइफ में आप ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, बट प्रीवियस लाइफ में जरूरी थोड़ी आप ह्यूमन बीइंग ही हो. फॉल्स ईगो है सब ये, एंड दिस फॉल्स ईगो इज व्हाट कॉजेस द डाइवर्सिफिकेशन, एंड दिस फॉल्स ईगो इज व्हाट कॉजेस द मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. आप सिंपल चीज समझ लीजिए कि why people fight, जो होता है ना, कहते हैं कि religion is causing, क्या बोलते हैं उसको, is diversifying the people, religion is the cause of wars,
एक्चुअली में रिलीजन कॉज नहीं है, फॉल्स ईगो कॉज है, ठीक है? बिकॉज अब सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, इफ एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट द फादर इज सेम, सबके जो फादर है वो सेम है, और ये जो बॉडी है सिर्फ अलग अलग ड्रेस की तरह है, सो व्हाट्स द पर्पस इन फाइटिंग, डज इट मेक एनी सेंस इन फाइटिंग, ठीक है? एंड इट्स ओनली दैट देर आर सम सेंटिमेंटल फॉलोवर्स ऑफ रिलीजन, दे नेवर रीड रिलीजन, मतलब उनको खुद के कभी स्क्रिप्चर पढ़े नहीं उन्होंने, तब पढ़े नहीं है तब उनको पता भी क्या रहेगा फिर, ठीक है? दे थिंक दैट कि अगर इफ आई एम मुस्लिम तो मतलब मेरा जो सोल है मैं हूँ, सोल भी मुस्लिम ही रहता है, ऐसे थोड़ी है, ऐसे कहीं पे भी नहीं है। जो मुस्लिम होना या हिंदू होना ये तो सिर्फ एक भारी कवरिंग है ना, ये सर्कमस्टेंसेस है, इस बॉडी में पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ हुई है, बट एक्चुअली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक टेम्पररी कंडीशन है, ठीक है? तो चैंटिंग करने से करते फॉल्स ईगो हट जाता है और आपका जो ट्रू ईगो है, ठीक है? तो फॉल्स तभी होगा, फॉल्स का सेंस तभी होगा जब कुछ ट्रू ईगो होगा। तो ट्रू ईगो क्या होता है? आई एम सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, ठीक है? तो अभी के लिए तो हमें इसे थ्योरी की तरह एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? इट्स नॉट सो इजी, ठीक है? इवन दो आई मे स्पीक दिस कि ट्रू ईगो है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम स्टिल नॉट ऑन दिस थिंग। ये बहुत हाई चीज है, बहुत हाई लेवल है, बट बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा यू विल एंड ऑल ऑफ अस विल कम टू दिस स्टेज, एंड वंस वी कम ऑन दिस स्टेज देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो मोर कॉजेस ऑफ फाइटिंग, नो मोर कॉजेस ऑफ डिसहारमोनी, ठीक है? और ये जो चीजें हैं होली नेम्स के, मतलब ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल डिवाइन मास्टर्स हैव टॉट द सेम प्रिंसिपल, ठीक है? तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसमें दिया है, इनफैक्ट इन एवरी स्क्रिप्चर, चाहे बाइबल को उठा के देख लीजिए, कुरान को उठा के देख लीजिए, ठीक है? कौन से भी स्क्रिप्चर में देख लीजिए, सब में भगवान का जो नाम चैंट करना है उसका जो उल्लेख है सब में दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी आता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द कलियुगा, तो एक बार क्या हुआ, जब कलियुगा जब स्टार्ट हो रहा था तो नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, जो नारद मुनि काफी टेंशन में थे, बोले कि कलियुगा में तो लोग इतने फॉलन होंगे, बहुत फॉलन होंगे, ठीक है? मतलब आप से समझ लीजिए कि ये तीन प्रोसेस तो कर नहीं सकते हो, कौन से तीन प्रोसेस, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तीन प्रोसेस नहीं कर सकते, और उसके बाद इनके अंदर इंक्विजिटिवनेस भी नहीं है, समझ में आ रहे हैं? इंक्विजिटिवनेस नहीं है। अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, ठीक है? द्वापर युग में एक क्वालिटी होता है जिज्ञासवा, द्वापर युग में एक लास्ट क्वालिटी बच जाती है जिज्ञासवा। जिज्ञासवा मतलब चाहे किसी को स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी नहीं करनी वो बात की बात है, लेकिन कुछ तो इंटरेस्ट होता है, कलयुग में लोगों के अंदर वो भी नहीं रहता है, मतलब कुछ भी इस जो स्पिरिचुअल चीजें है उसको डिस्कस करने का ही मन नहीं होता, जो कलयुग का सिम्टम है ये, या एडवांसमेंट का सिम्टम ही है, डिग्रेडेशन का सिम्टम है, ठीक है? आप अगर किधर जा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, वहां पे आपको इफ यू आर सिटिंग इन अ कंपार्टमेंट, वहां पे जो लोग रहेंगे पूरा 24 आवर्स का जर्नी है, सब खाली बैठे रहेंगे और 10 तरह की चीजें बातें करेंगे, दे विल टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, ठीक है? पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे इसने आना चाहिए था, इसने ये नहीं आना चाहिए था, मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आईपीएल के बारे में बातें होंगी, क्रिकेट के बारे में बातें होंगी, सबके बारे में बातें होंगी, फिर कौन सा एक्टर है कौन सा नहीं है, इसका ये हुआ उसका वो हुआ, ठीक है? इंडिया के बारे में, इंडिया चाइना का ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आप अगर वहाँ पर ये बोलो कैन वी टॉक समथिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, हमारा लाइफ का गोल क्या है, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है ना, आप ट्रेन में बैठे हो आपको पता ही नहीं ट्रेन कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन का ड्राइवर ही नहीं, उधर कितना डेंजरस सिचुएशन है, आप ये क्वेश्चन पूछो सबके सामने, लाइफ का गोल क्या है, कहाँ जाना है हमको, सब क्या बोलेंगे, अरे इसका ये सबके लिए टाइम कहाँ है आपके, ये सबके लिए कहाँ टाइम है हमारे पास, अच्छा तो ये सबके लिए टाइम है, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अब नाउ दीज पीपल में थिंक दैट कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट, तो हम प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं और ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये बोगस चीजें हैं, ये किसके पास टाइम है, बट एक्चुअली में वो कलियुगा का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये समझने का ट्राई कीजिए, ठीक?
ठीक है, तो द्वापर युग में जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था जिज्ञासा, यानी पीपल आर इंक्विजिटिव अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, वो कलयुग में खत्म हो चुका है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो यस ये है, तो इसलिए फिर नारद मुनि ने पूछा कि भाई अब क्या होगा इन लोग ऐसे हो, क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया ये वर्स जो थोड़ी देर पहले हमने ये ब्रह्म नारदीय पुराण उसमें पढ़ा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि शोर्स कम नाम नाम कली कलमश नाशनम न त परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सेम थिंग जो यहाँ पे हमने वर्स पढ़ा था ये, ठीक है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, आप सिर्फ होली नेम चैंट कीजिए और सब कुछ आपका लाइफ में ऑल ऑस्पिशियसनेस विल कम, ठीक है। नाउ विल क्विकली सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द महामंत्र। आवर प्रेयर ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स एड्रेसिंग राधा एंड कृष्णा फॉर बीइंग एंगेज्ड इन द सर्विस। हरे कृष्णा, हरे मीन्स ओ राधा रानी। तो यहाँ पे इस हरे कृष्ण महामंत्र में तीन चीजें हैं, एक है हरे, एक है कृष्ण और एक है राम, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जो हरे है, हरे ये हरे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भगवान की शक्ति है। ये जैसे कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है कृष्णा, ये सिर्फ दो शब्द है, ठीक है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक इति कृष्ण, जो हर 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 एक को अपनी ओर आकर्षित करता है, दैट इज कृष्ण। ये जो वर्ल्ड है आकृष्ट, वो कृष्ण से ही आया है, ठीक है, तो वो कृष्ण है। और ये जो राम है, तो यहाँ पे राम के अलग अलग रेफरेंसेस हैं, कई लोग हैं मतलब राम को भगवान रघुपति जो राघव रामचंद्र जी हैं वो भी एक राम है, डेफिनेटली वो भी राम है। फिर कोई परशुराम है वो भी राम है, फिर जो बलराम है वो भी राम है। लेकिन यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र में कौन से राम है, ये है राधिका रमन राम है ये, ठीक है, राधिका रमन। राधिका रमन का मतलब होता है वन हु रिलिशेस द डिवोशनल सर्विस ऑफ राधा रानी, जो राधा रानी की जो भक्ति है उनसे जो खुश होते हैं वो है राधिका रमन, भगवान का एक नाम है वो। देखो एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि हरे मतलब ये हरे तो राधा रानी को रिफर करता है, ठीक है, राधा रानी ही एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी है जिनकी भक्ति एक्चुअल में भगवान को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि राधा रानी का जो भक्ति है वो ओशन की तरह है। ओशन तो आप समझते ही होंगे, एंडलेस, कोई अंत नहीं है उसका। हमारी जो भक्ति है दैट इज लाइक अ ड्रॉप, वो भी जब हम प्योर स्टेट में पहुंच जाएंगे, तो प्योर स्टेट में पहुंचने के बाद हमारा जो भक्ति रहेगा वो एक ड्रॉप होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमारा जो एक ड्रॉप से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो एक्चुअल में डेफिनेटली हमारे भक्ति से भी भगवान सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब हम राधा रानी को अप्रोच करते हैं, ठीक, और राधा रानी रिकमेंड करती है किसी जीव को कि ये देखो ये जीव है, ये आपकी भक्ति करना चाहता है, तो भाई भगवान सोचते हैं कि इसको इस जीव ने, इसको राधा रानी ने रिकमेंड किया है, समझ में आ रहा है, राधा रानी ने रिकमेंड किया है इसलिए इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसको, इसलिए, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अगर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान से पहले भगवान की जो शक्ति है उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड आवर चैंटिंग मस्ट बी लाइक द डेस्परेट क्राई ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड फॉर इट्स मदर, ठीक है ना। देखो जो चाइल्ड जो होता है ना, सबसे पहले वो फादर से पहले मदर को देखता है पहले, ये एक साइकोलॉजी होता है ये, ठीक है। चाइल्ड का साइकोलॉजी ऐसे होता है कि फादर पे भी डिपेंड रहता है और मदर पे भी डिपेंड रहता है, लेकिन उसका जो डिपेंडेंस रहता है इनिशियल ईयर्स में वो मदर के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली फिर जब बड़ा हो जाता है तब वो बिकम्स मोर मैच्योर, फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फिर कभी कभी पूरा इंडिपेंडेंट बन जाता है, लेकिन जब वो इनिशियल स्टेज में इट्स ऑलमोस्ट 90% डिपेंडेंट ऑन द मदर ओनली, ठीक है। और जब वो के अंदर तो 100% मदर के ऊपर ही डिपेंड रहता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें भी अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ में अगर एडवांसमेंट करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो राधा रानी का शेल्टर लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे पहले हरे आता है, ठीक है, और कृष्ण कितनी बार आता है, चार बार आता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो चार बार आया,
लेकिन हरे कितनी बार आता है? 8 बार आता है. 8 टाइम्स हरे कम्स, 4 टाइम्स कृष्णा, 4 टाइम्स रामा, हरे कम्स 8 टाइम्स. तो हम समझ सकते हैं कि हरे को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है. और इस हमें प्रे करना चाहिए चैंटिंग के समय, क्या प्रे करना चाहिए? ओ राधा रानी, ओ सुप्रीम डिवोटी ऑफ कृष्णा, ओ कृष्णा ओ सुप्रीमली अट्रैक्टिव, ओ राधा रमन, वन हु डिलाइट्स इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ श्री राधा, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट एंड एंगेज मी इन योर इटर्नल डिवोशनल सर्विस सो दैट आई कैन गेट रिलीफ ऑफ द सर्विस ऑफ माया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है. मतलब क्या है, हमारा नेचर सर्वेंट का ही है, हम मास्टर कभी बन नहीं सकते हैं. वी कैन नेवर बिकम द मास्टर, ठीक है. तो भगवान की जो शक्ति है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल है कंसेप्ट है, लेकिन आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखने वाला हूँ, वो आप उसको एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है. तो भगवान के जो पोटेंसी है, ठीक है, लॉर्ड्स एनर्जी, एनर्जी एक ही होती है भगवान की, ठीक है, लेकिन वो दो तरीके से मैनिफेस्ट होती है. एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है. इंटरनल होती है योग माया और ये होती है महामाया, ठीक है. तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहां पर, वो आप इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, लेकिन वो आप उसको हीटर में भी लगा सकते हो, हीटर में भी यूज कर सकते हो, और जो आपका जो फ्रिज है, सपोज वैसे तो रेफ्रिजरेटर लिखते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में फ्रिज लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, फ्रिज में भी यूज कर सकते हो. तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ना तो गर्म है, ना तो ठंडी है, लेकिन कौन सा डिवाइस है उसके ऊपर है. तो भगवान की एनर्जी एक्चुअल में एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करती है. जो डिवोटी के लिए होती है इंटरनल एनर्जी योग माया, और जो मटेरियलिस्टिक आदमी होता है उसके लिए होती है महामाया. महामाया क्या करती है, जीवा को ढक देती है, समझ आ रहा है, जीवा को ढक देती है, और फिर उसको भगवान का एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आता उसको, ठीक है. और जब उसको भगवान का एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आता, ठीक है, आप सिंपल से चीज समझ लीजिए, अगर सपोज मैं किसी के घर में चले गया और मुझे वहां का ओनर दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, भाई इधर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे जब सब चीजें किसकी हैं, मेरी तो है, मैं ही तो एंजॉय करूंगा उसको. तो उसी तरीके से भगवान की जो महामाया शक्ति है वो जीवा को कवर कर लेती है, तो भगवान को देख नहीं पाता, ठीक है, वो भगवान को देख नहीं पाता. भगवान को जब भगवान को देख ही नहीं पाता, तो फिर भगवान को मास्टर एक्सेप्ट करने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता. मास्टर तो तब एक्सेप्ट करेगा जब भगवान के एग्जिस्टेंस को मानेगा वो, ठीक है. तो जब उसे भगवान का एग्जिस्टेंस ही समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है इसके पीछे, तो उसे क्या दिखता है, अरे ये इतनी अच्छी जमीन है किसके लिए, मेरे लिए. ये इतने अच्छे ट्रीज है किसके लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है. ये वाटर है किसके लिए, सब मेरे लिए. अर्थ के अंदर गोल्ड है, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए. अच्छा डायमंड भी है, वो भी मेरे एंजॉयमेंट, सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए. क्यों? बिकॉज वो मास्टर को देख नहीं पा रहे हो. तो ये काम है महामाया का, कवर कर लेती पूरी तरीके से. और वही होती है इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या करती है, ये उस कवरिंग को हटा देती है, और ये भगवान के साथ रखने में काम हेल्प करती है, डिवोटी को हेल्प करती है भगवान के पास जाने में, ठीक है. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, आई कैन गेट रिलीफ ऑफ फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया, तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको इस एक्सटर्नल एनर्जी से बाहर निकाल लो, प्लीज हमको इससे बाहर निकाल लो, क्योंकि जब तक हम इसमें रहेंगे तब तक हम हमेशा आपसे फॉरगेटफुल रहेंगे. हमको इंटरनल में डाल दो, इंटरनल एनर्जी के शेल्टर में डाल दो, ठीक है. और इंटरनल एनर्जी में जो सबसे जो उसके जो मतलब कंट्रोलर है, इंटरनल एनर्जी जो मेन इंटरनल एनर्जी है वो राधा रानी है, तो हमने वो प्रे करना चाहिए, ठीक है. यस, हरे कृष्ण महामंत्र द ग्रेटेस्ट डिलीवरर ऑफ माइंड, ठीक है. अब लेट्स कवर क्विकली, ठीक है. Chanting Hare Krishna removes innumerable bad qualities from the mind, such as insecurity, lethargy, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, madness, ignorance, bad habits, dissatisfaction, depression, stress, anxiety, nervous tension, fears, ignorance, greed, and कितनी सारी चीजें हैं, मतलब ठीक है. मतलब आप समझ लीजिए कि ये इतनी सारी चीजें मिक्स है, मतलब
सपोज ये कुछ ये सारे जो इमोशन सब मिक्स रहता है हमारे दिमाग में, डिप्रेशन स्ट्रेस सब एक साथ मिक्स रहता है, और उसके वजह से क्या होता है हमारा लाइफ बहुत ही परेशान रहता है। ठीक है, वी मे बी पर्सनली वेरी इंटेलिजेंट इन सॉर्टिंग आउट द थिंग्स हाउ द थिंग्स वर्क, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी हमारे दिमाग में ये सब चीजें रहती ना, हमारा बहुत टेंशन रहता है लोगों में। That's why we see that even the most successful people, they commit suicide also. Reason कुछ भी हो, but कहीं ना कहीं ये तो है ना, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई अंदर से पूरी तरह से content है तो suicide क्यों करेगा ना वो। ठीक है, तो one famous actor जिसके बारे में बहुत चर्चा है, so I will not speak the name, आप सब जानते ही हैं, he committed suicide. Now the reason may be something else. खुद से सुसाइड किया, कई लोग बोलते सुसाइड किया, कई लोग बोलते नहीं किया, बट वट एवर मे बी द रीजन, बट द फैक्ट इज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ही हैड एवरीथिंग, सब कुछ था उसके पास। ऑन द अदर हैंड जो सुदामा ब्राह्मण है, ठीक है, ये तो फैक्ट की बात है ना, फैक्ट है ये, सुदामा ब्राह्मण के पास तो ये सब नहीं था, ना तो उनके सुदामा ब्राह्मण के पास इतना नेम फेम था, ही वॉज लिविंग अ वेरी पॉवर्टी स्टाइल, पॉवर्टी लाइफ जी रहे थे, उन्होंने तो कभी सुसाइड नहीं किया, क्यों? Because he was content. And how he was content? Because he daily used to chant the names of Hare Krishna. ठीक है ना? तो मन को deliver कर देता है। देखो सारी जो problem है ना वो मन में है, बाहर actually में exist नहीं करती problems. ठीक है? देखो आप कुछ भी चीज बोलो, problem क्या है, अगर problem को define करने का try करो, if you try to define what is a problem, someone of you may say that if some injury comes in my body then that's the problem, but jab warriors fight karte hain to unke body se khoon aata hai, they enjoy it, unko to acha lagta hai. Oh some now if you think that ki oh if I have to work very very hard, that's a problem, but players they are playing football cricket whole day long, they are happy, they are getting. Problem is when a certain situation comes, और हमारा माइंड उसको अलाइन नहीं कर पाता है, हमारा माइंड को बहुत रिपेल करता है वो चीज, ठीक है, then the problem comes. आपके सामने बहुत अच्छा चीज रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखा है, पिज्जा रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको न्यूज पता चल गई कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, आपका पूरा टेस्ट तो वही है ना, क्योंकि मन अब डिससेटिस्फाइड हो गया तो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए हमको क्या करना है, माइंड को ठीक करना है, और चैंटिंग जो है उसी चीज को ठीक करता है ये, ठीक है, द इजी वे टू कनेक्ट विद द लॉर्ड ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, जैसे आपके पास मोबाइल होता है तो मोबाइल से क्या कर सकते हो, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, भगवान सर क्योंकि सब जगह प्रेजेंट है, सिंपल सिंपल लॉजिक है, एयरटेल से आप वहां तक कॉल कर सकते हो जहां तक उसका रेंज है, जिस जगह पे एयरटेल का रेंज नहीं रहेगा वहां पे आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, मार्स में थोड़ी उसका रेंज है, प्लूटो में है क्या रेंज एयरटेल का, नहीं है ना, भगवान का तो है सब जगह रेंज, भगवान तो सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है भगवान, तो आप किधर से भी कनेक्ट कर सकते हो भगवान को, ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद लॉर्ड एनी वेयर एट एनी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, सिंपल चीज आप समझने का ट्राई करो, अगर इफ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप एक ऐसा सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप एक गाड़ी से जा रहे हो, इमेजिन करो, ऐसे एक्चुअल में नहीं होगा भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं, जस्ट कंसीडर करने के लिए, एंड क्लिफ के अक्रॉस वो टॉपल हो जाता कार, ना वो टाइम पे अब वहां पे थोड़ा पॉज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, कोई कौन है आपके साथ वहां पे, गाड़ी नीचे गिर रहा, आपने पॉज किया हुआ, पॉज बटन दबाया, कोई है आपके साथ वहां पे, कोई नहीं वहां पे आपके साथ में, ठीक है, ना फ्रेंड है, ना जो बेस्ट फ्रेंड था जो बोलता था कि नहीं नहीं कभी भी प्रॉब्लम है ना तो मुझे याद करना, कहाँ गया फ्रेंड, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका फॉल्ट नहीं है, बट ही हैज हिज लिमिटेशंस, पेरेंट्स है, कहाँ गया पेरेंट्स, वो टाइम में हेल्प कर सकते नहीं, Krishna is present at that time also. And if you call out Krishna's name, the Krishna can protect you even in that situation. Uska ek bahut lively example hai ye. It's a famous pastime.
ये वो पास टाइम है जो मतलब द्वापर युगों में हुआ था ये, मतलब ये ऐसा इंसिडेंट है कि जो अभी कलयुग में भी नहीं होता ये, और कलयुग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मतलब किसी पार्लियामेंट में किसी वुमन को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया हो, ठीक है। ऑल्दो यस वी नो मैनी थिंग्स हैपन, बहुत सारी ऐसी लो क्लास चीजें होती है पर कलयुग में, बट एटलीस्ट किसी पार्लियामेंट्री असेंबली में कभी ऐसा नहीं हुआ कलयुग में। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि द्वापर युग में कैसी सिचुएशन रही होगी, व्हाट मस्ट बी द कंडीशन ऑफ द्रौपदी, एंड द्रौपदी के हस्बैंड भी सामने ही है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। भीष्म इज ऑल्सो देयर, द्रोण इज ऑल्सो देयर, ठीक है, कोई हेल्प के लिए नहीं कर पा रहा। एंड उस समय कृष्णा कहाँ पर है, कृष्णा इज इन द पैलेस ऑफ सप्तमी द्वारिका, द्रौपदी कहाँ पर है, हस्तिनापुर में। सो जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोपी जन वल्लभा, प्लीज सेव मी, भगवान ने क्या किया, भगवान को टाइम लगा उधर कि नहीं अभी थोड़ा घोड़े में बैठ के जाता हूँ मैं, नहीं, भगवान क्योंकि सब जगह है तो इवन मिली सेकेंड का टाइम भी ज्यादा है, ठीक है, इवन मिली सेकेंड का टाइम भी ज्यादा है। कृष्णा जस्ट केम देयर एंड सप्लाइड द अनलिमिटेड सारी। सो वी शुड हैव फेथ कि वेन एवर वी आर कॉलिंग द कृष्णा, ही वी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज एक्चुअली देयर। बट देन द क्वेश्चन इज व्हाई वी कैन नॉट, अभी ठीक है हम चैंट कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों हम कृष्णा को महसूस नहीं कर पा रहे। वेल आंसर इज हियर ओनली, ये देखो आंसर क्या है, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, only when the coverings are destroyed lord krishna will appear in the heart of the living entities, ye jo mind wala example, till the time we are not pure, puri tarah se shuddh nahi hote tab tak hum chant karenge krishna samne bhi rahenge, we will not be able to experience his presence, but to the degree we become purer and purer and purer, we will start experiencing his presence right in front of us। ye ek aur story hai gajendra ka, गजेंद्र को क्रोकोडाइल्स ने पकड़ लिया वैसे एक, ये ठीक है, ये गजेंद्र एलिफेंट है ये, और उसको ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है इसमें आता है श्रीमद् भागवतम में आता है ये स्टोरी है। तो ये जो क्रोकोडाइल है इसने इस क्रोकोडाइल का पैर पकड़ लिया, तो पीछे से आप देख सकते हो उसके फैमिली मेंबर्स भी, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आ पा रहे, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट दैट वो धोखा देना चाहते हैं फैमिली वाले, कैसे लोग हैं भाई साथ में कोई नहीं आ रहा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ना, उनकी लिमिटेशन को समझने का ट्राई करो। आप ऐसे मत सोचो कि फैमिली वाले जो मेंबर से धोखा दे रहे हैं जो पीछे बैठे हैं, नहीं, वो जाएंगे तो उनका भी लाइफ को रिस्क हो जाएगा ना, हो सकता है यहाँ पे 3,000 क्रोकोडाइल्स और हो और वो भी रिस्क में आ जाएंगे फिर, यू आर गेटिंग, बिकॉज दे आर नॉट अनलिमिटेडली पावरफुल, तो due to so many conditions they are not able to help, theek hai, so same thing is there, our well wishers, our parents, so many people are there, they will not be able to help, theek hai, it's not that they, I am again making a distinction, it's not that they don't want to help, everyone wants to help us, because and you also want to help everyone, but we cannot help all the time, hum hamesha help nahi kar payenge, theek hai। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि भगवान ही ऐसे पर्सन है जो हर समय हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस समय जब गजेंद्र को जो पैर है इसको क्रोकोडाइल ने अपने मुंह में डाल लिया से, और एक भागवत में इसका एक एलैबोरेट डिस्कशन आता है, ऑलमोस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दिस बैटल वाज गोइंग ऑन, एंड व्हेन गजेंद्र वाज फाइनली अबाउट टू डाई, अब उसको समझ में आ गया पूरा ब्लड ड्रेन हो रहा है, देन व्हाट ही डिड, he took up one lotus and lotus se bhagwan ko pray kiya, kya pray kiya, oh source of everything, oh lord, oh absolute truth who is beyond all creation, theek hai, to wo time mein to unko bhagwan ka naam bhi yaad nahi aa raha tha, ye dekha, he didn't even remember the lord's name, lekin fir bhi wahan pe bhagwan aa gaye wahan pe, theek hai, to agar aap mein intention hai bhagwan ko bulane ki, even if you forget him lord remembers, theek hai, तो आप देख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि लॉर्ड ऑलवेज रिमेम्बर्स, अगर कोई भगवान को बुलाता है तो भगवान जरूर आते हैं वहां पे, ठीक है। सो
Can someone tell the answers? What is the easiest way to connect with the Supreme Lord? A, B, C, D. By calling him, by chanting his holy names, by studying the Vedic literature, by performing yajna, charity and austerities. Yeah, by D, by visiting the temple of the Supreme Lord and taking darshan. Yes. Yes. Answers. Very good. Very nice. Wonderful answer. Correct. A is the correct answer. Queen Kunti called Krishna when he was not present before her. What do you infer? Yes. As Bluetooth connects, she was connected through the holy name of Krishna. Which is the correct answer? Bahut simple iska. Yes, maine answer bata diya yahan pe. Good. Yes. Okay, up now let's go. Now time is winding up. So we'll quickly cover the practical benefits of chanting Hare Krishna. Hare Krishna chant karne ke practical benefits kya hain? Theek hai? Pehla hai sabse pehle antidote for Kali Yuga. तो यहाँ पर जो चैंटिंग हरे कृष्णा है ये एंटीडोट है टू रिलीव द इन्फेक्शन ऑफ द कलयुगा सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव्स ऑल द एनोमलीज ठीक है नाउ सम वन ऑफ यू मे थिंक कि सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे मतलब वी डिडंट गेट दिस मतलब हमें पॉलिटिक्स भी तो चाहिए थोड़ी बहुत ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स इज यूजलेस वी एक्चुअली रिक्वायर्ड पॉलिटिक्स ठीक है to solve the problems at diplomatic level. Sab kuch chahiye hame. Medical science bhi zaruri hai, engineering science bhi zaruri hai, theek hai? Aur architecture, jo architecture department wo bhi zaruri, sab zaruri hai. But when the chanting is done, so these things will automatically solve. Samajh mein aa raha hai? Ye cheez hai. Nahi to aap dekho, abhi kya duniya mein achhe doctors nahi hai abhi? Hain? Achhe politicians nahi hain? Sab kuch achhe hai. लेकिन तो फिर इतने सब अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं एंड इट्स नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग देयर बेस्ट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट व्हाई द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्वड ठीक है तो पहली चीज देयर आर एक्सपर्ट्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सेकंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन बिकॉज विदाउट द चैंटिंग ऑफ कृष्णास नेम नथिंग विल वर्क आप जब ये सब चीजें करेंगे कृष्णा का नाम भी चैंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स है सब के सब सॉल्व हो जाएगी बिकॉज ये नेचर है कलयुगा का नेचर है ये आप कुछ भी सब कुछ नॉर्मल हो अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए वहां पे ठीक है क्लींजेस द हार्ट डर्टी हार्ट कॉजेस ऑल सफरिंग देखो सारी सफरिंग कहाँ से आती है जब हमारे हार्ट में कंटेमिनेशन होती है बस उससे ही आती है बाहर कोई उसका ये नहीं है हमारे माइंड में जब कंटेमिनेशन होती है लस्ट है एंगर है ग्रीड है मटेरियल डिजायर्स है ये सब चीजें हमारे हार्ट में होती है ना तब प्रॉब्लम आती है आपने कभी किसी को कुछ बोल दिया गुस्से में सामने वाले की गलती थोड़ी दी हो गलती तो आपके अंदर है ना क्योंकि हमारे अंदर क्या है एंगर भरा पड़ा है ठीक है किसी ने सट्टा लगा दिया आपने पैसे डाल दिए उधर बाद में पकड़े गए गलती किसकी थी सामने वाले पर्सन की थी उसने बोला है आपको बेटिंग के लिए नहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर था हमारे अंदर ग्रीड था प्रॉब्लम बाहर नहीं है प्रॉब्लम हमारे अंदर है तो चैंटिंग क्या करता है इन चीजों को इट रिमूव्स इट क्लींजेस द हार्ट ठीक है इट कंट्रोल्स द सेंसेस ठीक है सेंसेस को कंट्रोल करता है ये तो सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमने पहले भी डिस्कस किया है आपने डेफिनेटली आप भगवद गीता क्लासेस सुन रहे हैं तो भगवद गीता पे तो ये इसका बेसिक ही वही है आप अगर सेंसर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा आप लोगों ने सब जस्ट एग्जाम दी है जेई का नीट का तो आपको तो उसका इम्पोर्टेंस खैर पता ही है सेंसेस दे विल कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर बट अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो उनको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है आप जब चैंटिंग करेंगे ना तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा टू से नो टू दोज थिंग्स विच आर डेट्रीमेंटल टू यू एंड टू से यस टू दोज थिंग्स those which are good for you okay
सो अभी यहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत कम, इसलिए आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस. ये सब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं. बेस्टोस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. Chanting Hare Krishna purifies the heart and consciousness. One can clearly understand his identity and realize God. Yes. ठीक है, मतलब वैसे तो ये जो भगवान कृष्ण ये सुप्रीम है, ठीक है, ये जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन का मतलब समझ आ रहा है आपको? रियलाइजेशन मतलब कि यू आर नाउ फुली कन्विंस्ड दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन. ठीक है, ऐसा जनरली बहुत बर्थ के बाद आता है. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यन्ते. ठीक है, बहुत लाइफ टाइम बाद आता है. लेकिन चैंटिंग हरे कृष्ण से आपको एक ही लाइफ में आ जाएगा. ये एक ही लाइफ में यू विल एक्चुअली गेट द कन्विक्शन दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन. ठीक है, तो ये हो गया चौथा बेनिफिट, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आएगा आपको. ठीक है, एंड देन बेस्ट फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस और अटोनमेंट. देखो, कोई भी सिंफुल एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो दो ही चीज, उसके बाद दो ही पॉसिबिलिटी थी. या तो आप उस सिन का रिएक्शन भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, या तो उसका पश्चाताप करो. ठीक है, तो चैंटिंग क्या है? चैंटिंग इतना पावरफुल है कि उससे हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय होते होते हैं, लेकिन परमानेंटली रिमूव हो जाते हो. ठीक है, बाकी मेथड से क्या है कि अगर सपोज किसी ने चोरी किया और उसने कॉन्फेस कर दिया और उसने मतलब कुछ पैसे दे के रफा दफा कर दिया, मामला कैंसिल हो गया हो, लेकिन उसके अंदर वो चोरी करने की टेंडेंसी फिर भी है, समझ में आ रहा है? तो बाकी जो मेथड्स हैं ज्ञान कर्म, वो सिर्फ आपका वो टेंडेंसी को रिमूव करेंगे बस. मतलब सॉरी, टेंडेंसी को नहीं, बस रिएक्शन रिमूव करेंगे. टेंडेंसी रहेगा अंदर, चैंटिंग से आपका टेंडेंसी भी चले जाएगा. ठीक है, दैट इज द फिफ्थ एडवांटेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण. Faith in God increases. Yes, very very important. ये बहुत crucial है. हमारा faith अभी भी childlike है. We all have some faith. हमारे अंदर कुछ ना कुछ faith जरूर है. इसीलिए तो आप आए हैं सुनने के लिए. अगर जिसमें faith ही नहीं हो तो आएगा ही नहीं हो. वो पहले से argue करने लग जाएगा. कृष्णा सही में है क्या नहीं है. But the fact that you have some faith, मतलब you are chanting. ठीक है, chanting से थोड़ा बहुत faith आपने इसको इकट्ठा कर लिया है. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, चैंटिंग को करते जाना है. चैंटिंग को करते जाने से क्या होगा, हमारा जो फेथ होगा वो इंक्रीज होगा. वो ठीक है, फेथ इन गॉड विल इंक्रीज एंड लिबरेशन. तो पूरे लाइफ आप सब प्रॉब्लम से इजीली इसको काउंट्रैक्ट कर पाएंगे. ठीक है, यू विल कीप योरसेल्फ इम्यून. ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम चली जाएंगे, प्रॉब्लम विल बी देयर बट यू विल बी इम्यून टू ऑल दोस प्रॉब्लम. जैसे वैक्सीन है उसकी तरह, होली नेम विल बी अ वैक्सीन फॉर यू, इट विल मेक यू इम्यून. And at the end of life, you will go back in this very life. ठीक है? Now let's chant. अब यहाँ पे time हमारे पास क्योंकि बहुत कम है, so we'll quickly come to this. Chanting कैसे करना है? How to chant our rounds effectively? और deeply कर रहे हैं, ऐसे murmur नहीं करना है ऐसे. ठीक है? थोड़ा बोलना है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है और उसको ध्यान से सुनना है, अटेंटिवली सुनना है उसको. ठीक है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है. ठीक है, और लेजीनेस बीच बीच में आएगा आपको. ठीक है, आप इतने एक राउंड किया, फिर आपको लगा कि कुछ काम इंपॉर्टेंट आ गया, वहां पे जाता हूं मैं. ठीक है, आज क्या इंपॉर्टेंट काम है, अरे आज का पूरा प्लानिंग बाकी है, सबको बाद में रखना है. ठीक है, फिर थोड़ा नींद आ रहा है, सो के आता हूँ मैं, सब नहीं करना है. ठीक है, सिर्फ क्या करना है, चैंटिंग के टाइम में सिर्फ चैंटिंग करना है और मैकेनिकल चैंटिंग को नहीं करना है. ठीक है, अब ये देखो, ये जो मीटिंग